hello students today we shall continue the chapter matrices of class 12th mathematics this is part 8 we shall cover the following topics in this video lesson symmetric and skew matrices then there are two theorems related to these uh, types of matrices वी विल प्रूव दिज टू थ्योराम ऑल्सो इन दिस वीडियो लेसन तो सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि सीमेट्रिक मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इस सेट टू बी सीमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि यदि किसी कोई भी मैट्रिक्स हमें दे रखा है और उस मैट्रिक्स का यदि हम ट्रांसपोज लेते हैं और वो ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह देंगे सबसे पहले तो ये देख लें कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है क्योंकि यदि उसका ट्रांसपोज लेंगे और वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ तो ए ट्रांसपोज और ए इन दोनों का ऑर्डर डिफरेंट हो जाएगा और वो इक्वल नहीं हो सकते तो वो इक्वल तभी हो पाएंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो तो ये नेसेसरी कंडीशन है कि ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स से इक्वल हो इसके लिए ज़रूरी है ये नेसेसरी कंडीशन है कि जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं जो सिमेट्रिक है या नहीं है देखेंगे तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ मैट्रिक्स लूँगा और इसका जो ट्रांसपोज है वो जो है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के इक्वल होना चाहिए तो इसके लिए ये कंडीशन जहाँ फुलफिल होती है उस मैट्रिक्स के जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने की संभावना होती है जैसे इसमें हम अगर आई और जे इक्वल हो तो जैसे ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री तो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं वो तो डायगोनल पर होते हैं तो उन एलिमेंट्स पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे मैं ले, ले लेता हूँ वन टू सपोज यहाँ माइनस फाइव है ये डायगोनल एलिमेंट्स मान लो थ्री बाई थ्री का मैं मैट्रिक्स लेता हूँ ए तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स है ये ए वन वन है तो रिवर्स करेंगे तो भी ए वन वन ही आएगा लेकिन यदि मैं यहाँ लेता हूँ सपोज यहाँ लेता हूँ मैं फाइव तो ये ए वन टू की लोकेशन पर है ये ए वन टू है तो यहाँ ये कंडीशन ये कहती है कि ए वन टू पर जो हो वो ए टू वन पर भी होना चाहिए यानी यहाँ फाइव है तो ये ए टू वन यहाँ होता है तो इस जगह भी फाइव होना जरूरी है तभी वो सिमेट्रिक रह पाएगा इसी तरह से जैसे मान लो यहाँ मैं लेता हूँ सेवन तो ये ए वन थ्री की लोकेशन है तो यहाँ ए थ्री वन की लोकेशन पर भी सेवन होना चाहिए और इसी तरह से सपोज यहाँ कोई एलिमेंट है सपोज रूट टू है तो यहाँ पर भी रूट टू होना चाहिए क्योंकि ये जो लोकेशन है ये तो है ए टू थ्री सेकेंड रो और थर्ड कॉलम तो ये जो है वो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम की लोकेशन है तो यहाँ पर भी सेम होना चाहिए तो ये जो ये कंडीशन है ये ये कहती है कि डायग्नल के रिस्पेक्ट में यदि हम एलिमेंट्स देखें तो दे मस्ट भी सिमेट्रिक जैसे सेवन है इस डायगोनल के इसका जो रिफ्लेक्शन देखें हम इसमें तो ये सेवन है इसी तरह से रूट टू है तो ये इस डायगोनल के अबाउट ये दोनों एलिमेंट्स सिमेट्रिकली सिचुएटेड है फाइव फाइव सेवन सेवन तो इस तरह से जो कोई मैट्रिक्स होता है और स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक हो जाता है तो ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्ज़ाम्पल है और यदि हमें चेक करना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है तो एक तरीका तो ये हो गया कि डायगोनल्स के अबाउट जो एलिमेंट्स है वो सिमेट्रिकली सिचुएटेड है कि नहीं ये देख लेंगे दूसरा तरीका ये है कि ये जो कंडीशन है स्टार्टिंग की डेफिनेशन कि अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं या ऐसे ए टी भी कह दें इसको तो ट्रांसपोज लेने पर जो मैट्रिक्स हमें मिलता है यदि वो मैट्रिक्स ओरिजिनल इसके इक्वल है जैसे यहाँ देखते हैं जो फर्स्ट रो है वन फाइव सेवन इसको मैं फर्स्ट कॉलम बना देता हूँ वन फाइव सेवन और जो सेकेंड रो है फाइव टू रूट टू इसको मैं सेकेंड कॉलम बना देता हूँ फाइव टू रूट टू और इसी तरह से जो थर्ड है वह है सेवन रूट टू और माइनस फाइव तो हम देखते हैं कि ये जो एडेस या ए ट्रांसपोज है ये ओरिजिनल इस ए के इक्वल ही आ रहा है कोई अंतर नहीं है ये वापस ए ही हो रहा है तो ये कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है कि ए ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है तो बहुत आसान तरीका है कि जो भी गिवन मैट्रिक्स दे रखा है उस मैट्रिक्स की रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लें और यदि जो नया मैट्रिक्स बन रहा है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह देंगे और हम एक तरीका ये मैंने बताया ही कि डायगोनल के अबाउट जो डिफरेंट एलिमेंट्स है दे मस्ट भी सिमेट्रिकली सिचुएटेड एलिमेंट्स जो होते हैं वो इक्वल होने चाहिए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह देंगे अब इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी स्क्यू सीमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए यानी ये कंडीशन जहाँ फुलफिल हो रही है उसको हम इसक्यू सीमेट्रिक मैट्रिक्स कह देंगे और ये जो है इसको यदि हम एलिमेंट्स की टर्म्स में लिखें तो ये हो जाएगा ए जे आई विल बी इक्वल टू माइनस ए आई जे फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे ये जो है ये कंडीशन जहाँ फुलफिल हो रही है तो उसको हम बोल देंगे कि वो इस्क्यू सीमेट्रिक मैट्रिक्स है और यदि इस कंडीशन में यदि हम आई इक्वल टू जे पुट कर दें तो यहाँ जैसे ए वन वन इज इक्वल टू माइनस ए वन वन ए टू टू इज इक्वल टू माइनस ए टू टू इस तरह से तो ए आई आई मस्ट भी इक्वल टू माइनस ए आई आई तो अब इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं तो ए आई आई की वैल्यू जीरो आ रही है इसका मतलब है ए आई आई वो एलिमेंट होता है जैसे ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री ये डायगोनल पर सिचुएटेड एलिमेंट्स होते हैं तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स जो है वो जीरो होते हैं तो सारे डायगोनल्स के एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए तब ऐसे मैट्रिक्स के स्क्यूसीमेट्रिक होने की संभावना होती है तो ये तो नेसेसरी कंडीशन है कि डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे ही जीरो होने चाहिए दिस मीन्स दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्मेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो सब जीरो होना जरूरी है तभी उस मैट्रिक्स के स्क्वायर मैट्रिक्स होने की संभावना होती है जैसे एग्जाम्पल लें कि ये जो मैट्रिक्स है ये जो बी है ये एक जनरल स्क्यूसीमेट्रिक मैट्रिक्स है थ्री बाई थ्री का है ये और इसमें हम देख रहे हैं कि ये जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो सब जीरो है तो पहली शर्त तो ये देख ही ले नेसेसरी कंडीशन है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो अगर इनमें एक, एक भी नॉन जीरो है तो वो इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा दूसरा इस डायगोनल के अबाउट जो सिमेट्रिकली सिचुएटेड एलिमेंट्स है दे आर ऑफ अपोजिट साइन जैसे ये ई है तो यहाँ माइनस ई या एफ है तो माइनस एफ या जी है तो माइनस जी तो इस तरह का कोई भी जो मैट्रिक्स होता है उसको हम बोलेंगे कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और यहाँ हम यदि बी डेस फाइंड आउट करें यानी इस रो को अगर चेंज करें यदि हम बी डेस फाइंड आउट करें यहाँ पर तो देखिए बी डेस हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ शॉर्ट में सपोज मैं बी डेस यहाँ फाइंड आउट करता हूँ तो, तो देखिए कितना आता है तो बी डी यहाँ इस जीरो ई एफ फर्स्ट रो को यहाँ बनाते हैं जीरो ई एफ यहाँ ले लेते हैं सिमिलरली फिर जो माइनस ई ये माइनस ई और जीरो और जी इस तरह से हो गया सिमिलरली थर्ड वन है वो है माइनस एफ माइनस जी और ज़ीरो मैंने रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया है तो बी डी एस आ गया अब हम देख सकते हैं कि जो बी डी की जो एंट्रीज है और बी की जो एंट्रीज है इनमें जो साइन है जस्ट रिवर्स है, है। यदि मैं इसको इसको यदि यहाँ माइनस बी फाइंड आउट करता हूँ यहाँ माइनस बी करता हूँ तो हर एंट्री को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जीरो इस एंट्री को माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस ई यहाँ माइनस एफ़ यहाँ ई e, यहाँ ज़ीरो और यहाँ माइनस जी सिमिलरली यहाँ एफ़ यहाँ जी और यहाँ पर ज़ीरो इस तरह से हमारे पास माइनस बी आ रहा है अब हम देखते हैं कि माइनस बी और बी डी बिल्कुल इक्वल हो रहा है यहाँ देख सकते हैं बी डी की जितनी भी एंट्रीज है और इधर बी माइनस बी की जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है दे आर इक्वल सो बी डेस इज इक्वल टू बी तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वेन एवर ट्रांसफोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ़ दी ओरिजिनल मैट्रिक्स देन सच मैट्रिक्स इज सेट टू बी इसक्यूस मैट्रिक एक तो ये डेफिनेशन से आ जाएगा दूसरा आप डायगोनल एलिमेंट्स को देखिए डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए और डायगोनल के अबाउट जो सिचुएटेड सिमेट्रिकली सिचुएटेड जो एलिमेंट्स है वो अलग अलग अपोजिट साइन के होने चाहिए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम इसक्यू सीमेट्रिक मैट्रिक्स कह देते हैं तो इसके एग्जाम्पल और लें यदि हम इसक्यू सीमेट्रिक मैट्रिक्स के तो इस तरह से ले सकते हैं जैसे मान लीजिए मैं कोई मैट्रिक्स बनाता हूँ ये टू बाई टू का बनाना है मान लीजिए मुझे तो टू बाई टू का इसक्यू सीमेट्रिक मैट्रिक्स एग्जाम्पल के तौर पर लिखना है ये इसक्यू सीमेट्रिक चाहिए टू बाई टू का बनाना है तो पहले तो जो बताया मैंने अभी कि डायगनल एलिमेंट्स है उनको जीरो रखना है, रखना पड़ेगा और जो दूसरे एलिमेंट है सपोज माइनस टू लेता हूं तो इसको मुझे टू लेना पड़ेगा इस तरह से हम बना सकते हैं और इसी तरह से जो दूसरा मैट्रिक्स मान लो मैं और लेना चाहता हूं और ये सिंपल मान लीजिए कि वन बाई वन ऑर्डर का ही बनाना है तो डायगोनल एलिमेंट्स ही हुआ तो डेफिनेटली मुझे इसमें एक ही एंट्री जीरो रखनी पड़ेगी इसी तरह से सपोज मैं थ्री बाय थ्री का बनाना है तो थ्री बाई थ्री में नाइन एलिमेंट्स होंगे और नाइन एंट्रीज में जो डायग्नल्स है उन सबको तो मुझे जीरो रखना पड़ेगा थ्री बाय थ्री में और बाकी जो भी एलिमेंट्स कहीं पर भी लेता हूं जैसे मान लीजिए माइनस टू ले लिया तो यहां मुझे टू लेना पड़ेगा क्योंकि ये अपोजिट साइन के होने चाहिए इसी तरह सपोज यहाँ मैंने माइनस फाइव ले लिया तो यहाँ मुझे फाइव रखना पड़ेगा यहाँ रूट टू ले लिया तो इसके अपोजिट साइन का माइनस रूट टू यहाँ लेना पड़ेगा तो इस तरह से मैं डिफरेंट डिफरेंट जो है इसके सीमेट्रिक मैट्रिक्स हम बना सकते हैं ऐसे ही जैसे मान लीजिए अब हमें यदि यदि हमें मान लीजिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देना है मान लीजिए हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देना है तो यहाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस लेट अस सपोज सिमेट्रिक मैट्रिसेस तो इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन जैसे सपोज एक्स लेता हूँ और ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस लेना है तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस में हमें ध्यान रखना है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी तो हमें बिल्कुल भी ड्रवा नहीं करनी है क्योंकि जैसे सपोज यहाँ टू ले लिया यहां पर हमने फाइव ले लिया नो no प्रॉब्लम लेकिन यहाँ कोई भी एलिमेंट रखते हैं तो वो डायगोनली जो सिचुएटेड डायगोनल के अबाउट जो सिमेट्रिकली सिचुएटेड एलिमेंट्स है वो इक्वल होने चाहिए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम करेंगे कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया इसी तरह से मान लीजिए मैं एक थ्री बाई थ्री का चाहिए तो थ्री बाई थ्री में मुझे जो है इस तरह से बनाना पड़ेगा यहाँ तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ जैसे वन लिख दिया माइनस टू लिख दिया सपोज यहाँ थ्री लिख दिया लेकिन यहाँ सपोज फोर लिखता हूँ तो यहाँ मुझे फोर लिखना पड़ेगा या सपोज मैं स्क्वायर रूट फाइव लिखता हूँ तो यहाँ मुझे स्क्वायर रूट फाइव लिखना पड़ेगा सिमिलरली यहाँ अगर सेवन लेता हूँ तो यहाँ भी सेवन लेना पड़ेगा तो इस तरह से जो है सिमेट्रिक मेटेसियज के एग्जाम्पल हम बना सकते हैं और यदि मैं यहाँ वाई डैस लेता हूँ तो वाई डेस डेफिनेटली विल भी इक्वल टू वाई और यहाँ एक्स डैस है अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ ट्रांसपोज रो और कॉलम को इंटरचेंज करके तो वापस वो एक्स ही आ जाएगा और यहाँ हम देखें इसक्यू सिमेट्रिक मेटेसियज में तो ए ट्रांसपोज अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो माइनस ए के इक्वल आएगा सिमिलरली जो बी ट्रांसपोज लेंगे तो वो माइनस बी के इक्वल आएगा लाएगा यहाँ जो बी है ये एक्चुअली सिमेट्रिक भी है और इसक्यू सिमेट्रिक भी है क्योंकि तो यहाँ ए की एलिमेंट है वो जीरो है तो बी डेस और माइनस बी और बी सब इक्वल होंगे तो ये इसक्यू सीमेट्रिक भी है और सीमेट्रिक भी है सिमिलरली देखते हैं तो सीडेस की वैल्यू माइनस ही आ रही है तो ये सब जो है वो है और इधर जो है सीमेट्रिक मैट्रिश की एग्जाम्पल है अब हम थ्योरम लेते हैं फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस एडेस इज एमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस एडेस इज ए इसक्यू सीमेट्रिक मैट्रिक्स तो ये थ्योरम ये कहती है कि अगर हमें कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है और यदि हम उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बना लेते हैं ए डेस और उस ए डेस को यदि हम ओरिजिनल मैट्रिक्स ए में एड कर देते हैं तो हमारे पास जो मैट्रिक्स क्रिएट हो रहा है ए प्लस ए डेस दिस विल ऑलवेज बी ए सीमेट्रिक मेट्रिक्स एंड इफ वी सब्ट्रेक्ट ट्रांसपोज मैट्रिक्स फ्राम द ओरिजिनल मैट्रिक्स ए माइनस ए डेस सो फॉर्म्ड विल बी एस्क्यू सीमेट्रिक मैट्रिक्स तो ये हमें प्रूव करना है और कभी भी किसी भी मैट्रिक्स को यदि हमें सिमेट्रिक या इसके सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हमें क्या करना है कि उसका ट्रांसपोज लेना है और अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स उस ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल होता है तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह देते हैं तो अब इसका हम प्रूफ शुरू करते हैं तो इसको प्रूव करने का जो तरीका है उसमें हम सबसे पहले ये करेंगे कि जो ए प्लस एडेस है उसको हम नया नाम दे देंगे सपोज बी दे देते हैं उसको ए प्लस एडेस को मैं बी नाम दे देता हूँ अब मुझे ये अब प्रूव ये करना रहेगा अगर यह ले लिया तो हमें यह प्रूव करना रहेगा कि जो B का ट्रांसपोज है वो B के इक्वल है यदि हम B का ट्रांसपोज B के इक्वल कर देते हैं इट मीन्स B विल बी एस सीमेट्रिक मैट्रिक्स तो यदि हम B ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी कर देते हैं तो पहला पार्ट प्रूव हो जाता है कि A प्लस ए डेस इज ए सीमेट्रिक मैट्रिक्स तो इसके लिए B ट्रांसपोज लेना पड़ेगा तो जो प्रूव कर रहे हैं उसमें B ट्रांसपोज लेते हैं और B ट्रांसपोज लेंगे तो ये A प्लस ए डेस का ट्रांसपोज ही है और फिर इसमें जो है प्रॉपर्टी लग जाएगी कि ये ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा और इसको सोल्व करते हैं तो ये ए डेस और इसको सोल्व करते हैं तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ए हो जाता है इसको जो है क्योंकि इसमें मैट्रिक्स एडिशन जो कम्यूटेटिव होता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और ये वापस बी ही है तो बी डेस इज ईक्वल टू बी आ रहा है तो बी डी इज वल टू बी प्रूव होते ही इससे ये प्रूव हो जाएगा कि जो बी है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इस तरह से जो है हमने इसको प्रूव कर दिया है कि ये जो मैट्रिक्स है ए प्लस ए वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और इसी तरह से जो है यदि हम आगे बढ़ें तो ए माइनस ए को हम इसके सिमेट्रिक प्रूव कर सकते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं अब की बार जो है नया नाम दे देते हैं लेटस सपोज उसको पहले दिया था हमने बी अब इसको दे देते हैं सी नाम दे देते दे हैं दे ए माइनस ए डेस को मैं सी नाम दे देता हूँ और अब ये सी डेस फाइंड आउट करते हैं कितना आता है तो सी डेस फाइंड आउट करेंगे तो ये ए माइनस ए डेस ट्रांसपोज और इसको सोल्व करेंगे तो ये ए डेस माइनस ए डेस ट्रांसपोज हो रहा है और इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये ए डेस माइनस ए हो रहा है और यह ए माइनस ए डेस है तो इसको मैं यदि माइनस कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ सिचुएशन आएगी माइनस ए डेस प्लस ए और इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ माइनस ए माइनस ए डैस इज इक्वल टू ये हो गया माइनस सी तो यहाँ से ये रिजल्ट आ रहा है कि जो सी डैस है वो माइनस सी की इक्वल है और ये शर्त है किसी भी मैट्रिक्स के स्क्यू सीमेट्रिक होने की इफ़ सी डैस इज इक्वल टू माइनस सी या सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी इट मीन्स सी इज इक्वल टू इसक्यूसीमेट्रिक मैट्रिक्स इज तो ये स्क्यू स्क्यूसीमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया है तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि यदि हमें कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और यदि वो स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है तो हम ए उसका ट्रांसपोज ले लेंगे और जो ट्रांसपोज को यदि हम ओरिजिनल मैट्रिक्स में ऐड कर देते हैं तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो सिमेट्रिक होगा और यदि उसको सप्टेट कर देते हैं जैसे यहाँ से एड एस को सप्टेट कर दिया तो जो नया मैट्रिक्स हमें मिल रहा है वो हमेशा ही इसक्यू सिमेट्रिक होगा ये हम समझ सकते हैं अब सेकेंड थ्योरम लेते हैं सेकेंड थ्योरम कहती है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेसड एज द सम ऑफ ए सीमेट्रिक एंड एस्क्यू सीमेट्रिक मैट्रिक्स यदि हमें कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो दैट मैट्रिक्स कैन बी रिटर्न एज द सम ऑफ टू मेट्रिक्स वन इज सीमेट्रिक अनदर वन इज स्क्यू सिमेट्रिक तो ये भी हम कर सकते हैं तो इसको कर लेते हैं ये कैसे होगा जैसे मान लीजिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है हमें दे रखा है लेट स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो हमें हम ले लेते हैं कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स और वो स्क्वायर मैट्रिक्स लेटर सपोज ए है अब अगर ये ए है तो अभी हमने देखा था कि ए प्लस ए डेस जो है हमेशा सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए डेस जो है वो हमेशा इसके सिमेट्रिक होता है तो यदि मैं ए में ए डेस को ऐड करता हूँ और उसका मैं हाफ़ ले लेता हूँ इसी तरह से अगर मैं ए माइनस ए डेस लिखता हूँ और फिर उसका हाफ ले लेता हूँ तो डेफिनेटली इट विल भी इक्वल टू ए इसको मैं फर्दर पूरा सोल्व करता हूँ तो मैं देखूंगा कि ये जो है वापस ए के इक्वल हो रहा है तो ये तो हम हमेशा लिख सकते हैं इसके बाद ए प्लस ए एडेस हमें पता है कि ए प्लस ए एडेस जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि ये जस्ट जो थ्योरम वन हमने प्रूव की है वो बताती है कि ये हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इधर हम देखें कि ये जो पार्ट है वो कैसा है वो स्क्यू सिमेट्रिक है ये जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यहां से अब किसी भी मैट्रिक्स को यदि हम स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सीमेट्रिक याट्रिक ही रहेगा उसमें अंतर नहीं आने वाला जैसे ये सिमेट्रिक है इसको यदि मैं किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये सीमेट्रिक रहेगा तो ये जो पूरा मैट्रिक्स बन रहा है हाफ टाइम्स ऑफ ए प्लस ए एडेस ये सीमेट्रिक होगा और हाफ टाइम्स ऑफ ए माइनस ए एडेस ये जो है वो इसक्यू सिमेट्रिक होगा तो इस तरह से एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज गिवन कैन बी रिटर्न एज द सम ऑफ टू मेट्रिक यहाँ पर सपोज इसको मैं बी नाम दे देता हूँ और जो दूसरा वाला है उसको सपोज मैं सी नाम दे, दे देता हूँ तो नाउ ए कैन बी रिटर्न एज द सम ऑफ दीज टू मैट्रिक्स वेयर फर्स्ट मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एंड अनदर वन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो इस तरह से जो है हम किसी भी गिवन मैट्रिक्स को दो ऐसे मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं कि जिनमें एक तो सिमेट्रिक हो और दूसरा इसक्यू सिमेट्रिक हो तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स को हम किस तरह से सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मेट्रीसीज के सम के रूप में लिख सकते हैं तो आज हमने जो सीखा वो कौन कौन से टॉपिक थे सबसे पहले तो हमने जाना कि जो सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मेट्रीसीज जो है वो क्या होते हैं सिमेट्रिक मेट्रीशियज तो क्या होते हैं और इसके सिमेट्रिक मेट्रीशियज क्या होते हैं तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं उनका ट्रांसपोज लेंगे तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स इक्वल होता है यानी इसमें कंडीशन ये रहेगी कि ए और एड एस इक्वल होंगे और इस वाले कंडीशन में जो एडेस है वो माइनस ए के इक्वल होगा अगर हमें इतना सा भी ध्यान है तो भी काम चल जाएगा अपना दूसरा फिर हमने इससे रिलेटेड जो है दो थ्योरम सीखी जिसमें पहली थ्योरम तो ये कहती है कि अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है ए दे रखा है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है और यदि हम उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं और ए प्लस एडेस हमें मिलेगा इसी तरह से ए माइनस एड मिलेगा तो ये जो ए प्लस एडेस है ये सिमेट्रिक होगा और ये जो दूसरा वाला है ये जो ए माइनस एडेस है ये इसक्यू सिमेट्रिक होगा ये हमने सीखा फिर नेक्स्ट जो थ्योरम थियो है वो ये कहती है एक थ्योरम तो ये हो गई कि ए प्लस एडेस हमेशा सिमेट्रिक और जो है ए माइनस ए डेस हमेशा इसक्यू सिमेट्रिक होगी और दूसरी जो थ्योरम है वो कहती है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटर्न एज दी सम ऑफ टू मेट्रिक जिसमें जो पहला हाफ ए प्लस ए एडेस दूसरा हो जाएगा हाफ ए माइनस ए एडेस और ये जो मैट्रिक्स है वो तो हो गया सिमेट्रिक और ये हो जाएगा सिमेट्रिक इस तरह से जो है हम मैट्रिस जो है उनको समझ सकते हैं कि सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे और किसी भी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स को हम किस तरह से एज ए सम ऑफ टू मेट्रिस लिखेंगे जिनमें एक सिमेट्रिक और दूसरा सिमेट्रिक हो तो इस तरह से जो है हम आज हमने ये चीजें जानी और इनको समझा है और अब हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें इस तरह से जो लिखने का जो तरीका है वो देखेंगे किसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरह से किसी मैट्रिक्स को हम ऐसे सम के रूप में लिख सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो